नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनल शुक्ला सोनल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ एक नया टॉपिक लेके जिसको बोलते हैं ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी, मतलब गूढ़ विज्ञान ज्योतिष। तो इसके लिए मैं मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं जो मुझे 20 साल से विद्या सिखा रहे हैं और वो खुद 40 साल से ऊपर इस ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी में है, जिनका नाम है समर्थ दत्त, जिनको लोग इस लाइन में दादा कहते हैं, जिनका नाम है श्री नलिन पंड्या जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, योगा टीचर भी है और नक्षत्र जन्य वनस्पति पे उन्होंने काफी रिसर्च किया हुआ है और देश और विदेशों में काफी ये मशहूर है। तो आइए आज हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी तो जानते ही है, पर सबसे पहले हम इनको ये पूछेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। जी गुरु जी नमस्ते। नमस्कार बेटे, ठीक है सर? एस्ट्रोलॉजी इतना गहरा सब्जेक्ट है जो आजकल हम देखते हैं कि लोग अपनी सांसारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं और उनका उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। मगर एस्ट्रोलॉजी, हम गीता के प्लेटफॉर्म से थोड़ी बात करें तो ये समझ लें, गीता में बताया है कि कर्म ही करना चाहिए। तो अगले जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो कर्म ग्रहों के संकेत लेकर आपकी पत्री में जहां बैठते हैं और उनका गहरा गूढ़ रहस्यमय उपाय क्या है और उनको किस ढंग से समझना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे महर्षियों ने, हमारे महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने एस्ट्रोलॉजी को एक गहरा सब्जेक्ट बना के हमारे लिए छोड़ा है। और मजे की बात है कि जन्म कुंडली में हम बताते हैं कि 12 भाव होते हैं। पहला भाव धनु भाव, शरीर के संबंधित जो भी बात है वो जोड़ते हैं। दूसरा भाव है धनु भाव और हमारा फैमिली रिलेशनशिप। तीसरा भाव है भाई बहन, हमारे पराक्रम। चौथा भाव है हमारी माता और मिलकर और हमारे हृदय के भाव वाले मुख्य आपके। पांचवा भाव है पूर्व जन्म। पूर्व जन्म विद्या, संतान, कौन सी साधना करनी चाहिए, इन बातों के लिए पांचवे भाव को ज्यादा फोकस करते हैं। छठा भाव है हमारे शत्रु, हमारे माँ के संबंध में आने वाले जो भी रिश्तेदार है वो, जैसा मोसड़ कहते। सातवा भाव है पति और भागीदार। आठवा भाव है मृत्यु एंड नौवा भाव है भाग्य, साले और पत्नी के गृहस्थी में जो भी लोग आते हैं वो। दसवा भाव है पिता और कर्म। ग्यारहवा भाव है हमारी लक्षण जिनको कहते हैं, मगर लाभ हम दो तरफ से सोचते हैं। हम भौतिक लाभ के बारे में सोचेंगे और आने वाले ये जन्म में या आने वाले जन्म में या ये जन्म में हम कौन से कर्म करेंगे तो लाभ मिलेंगे, उनके बारे में गहराई से बताया है। और बार बार थाने मोक्ष, मोक्ष का मतलब मुक्ति, मुक्ति भी करते हैं। ये बातें खास आप समझ लो, अगले जन्म में अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्म ग्रहों की ऐसी स्थिति बनाकर ये जन्म में आप आएंगे कि आप अपनी संचित अच्छे कर्म की मूड़ी को ये जन्म में आप अच्छी तरह से भुगत पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। या अगर बुरे कर्म किए हैं अगले लास्ट जन्म में अपने, तो वो जन्मों के हिसाब आपको ये जन्म में देना तो पड़ेगा। और ये देना पड़ेगा किस ढंग से, कभी हम सोचते हैं कि किसी के पत्र में पितृ दोष है, प्रेत दोष है, नाग दोष है, कालसर्प दोष है, ऐसे हजारों दोष है। मैं अपने दर्शक मित्र को ये बताना चाहूंगा, 12 भुवन और 9 ग्रह, आपको शायद ताज्जुब लगेगा कि ये सब गूढ़ विद्या अनुसंधान के अंदर करीबन 44 लाख योग बनते हैं ग्रहों की और 12 भावों की समझ से। ये 44 लाख योगों का अर्थगठन में साथ थोड़ा भी समझ लेंगे तब भी आप गहराई से ये बहुत गरीब और बहुत पवित्र, बहुत चिंतनशील विद्या को जान पाएंगे। और ये बात आपको खास समझना चाहिए कि मैं आपको एक
एक दृष्टांत देता हूँ। जन्म लग्न यानी पहला भाव, उसमें मेष राशि पड़ी हुई है और उनका मालिक मंगल छठे स्थान में गिरा हुआ है, ठीक है। उनके साथ साथ अब छठा भाव का मालिक जो कन्या राशि आती है, कन्या राशि का मालिक बुध जन्म लग्न में पड़ा है, तो आप सोच नहीं पाएंगे कि जन्म लग्न का मालिक छठे स्थान में पड़ा है, उनके 12,500 योग बनते हैं कि उनका अर्थघटन क्या होता है, और छठे भाव का मालिक जन्म लग्न में पड़ा है तो करीबन उनके भी 12,500 योग बनते हैं। तो हम ये सोचना चाहिए कि ज्योतिष विज्ञान हमारे व्यास, पराशर, जेमिनी, परामीर, ये जितने महान लोग हो गए, इन्होंने अपनी रोजी रोटी कमाने के बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र का कहीं उल्लेख नहीं किया है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आपकी पांचवें स्थान में मकर राशि का शनि है, कुंभ का शनि है और शायद तुला का भी शनि हम मान सकते हैं, तो उनको कौन सी साधना, कौन सी क्रिया से उनका सामाजिक अभ्युदय, आर्थिक अभ्युदय, खुद का आध्यात्मिक अभ्युदय होता है, सबके लिए साधना में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। पांचवें स्थान में हम काली विद्या देखते हैं, प्रेम संबंध देखते हैं, पूर्व जन्म देखते हैं, हमारे संतान कैसी होगी ये देखते हैं, तो संतान कहां से आएगी, पूर्व जन्म से जो संचित कर्म में हमारे लेन देन कहीं रह गई है वही आपकी संतान बन के आएगी। आपकी संतान अच्छी रहेगी, पूरी रहेगी, व्यसनों में जाएगी या कोई विद्वान बनेगी, ये सब बात खुद की पत्री से एकदम गहराई से सोचेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो ज्योतिष के बारे में आज हम क्या देखते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं मेरे दर्शक मित्रों को, ज्योतिष में संसारिक प्रश्न बड़ी मुश्किल से 12-13 से ज्यादा आते नहीं है। एग्जाम्पल, मैं कौन सी लाइन में पढ़ूंगा, मैं विदेश जाऊंगा या नहीं, मेरे लव मैरिज होंगे या अरेंज मैरिज, मैं नौकरी करूंगा या अपना खुद का धंधा करूंगा, मेरा मकान, गाड़ी, मिल्कत कब होगा, मुझे शेयर बाजार से, पॉलिटिक्स से या ऐसे कोई काम से फायदा है कि नहीं, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, बच्चे मेरे घरपन में बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे कि नहीं, अचानक धन लाभ है कि नहीं, शॉर्ट टर्म में मुझे पैसे कहां से मिलेंगे, लॉटरी लगने वाली है कि नहीं, मेरे विदेश जाने के योग है कि नहीं। आज तक मेरे 50 साल का तजुर्बा है, मुझे किसी ने आज तक एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं मिली जिन्होंने मुझे पूछा है कि दादा ये जन्म में मैं कैसे काम करूं, कौन सी साधना करूं, तो मुझे जिंदगी में शांति, प्रगाढ़ शांति मिले, और मैं लोगों की सेवा के लिए ऐसा कौन सा काम करूं कि जिनको के लिए मैंने ये जन्म लिया है, मैं किसी और के लिए कुछ काम कर सकूं। मगर करीबन 10-12-15 सवालों से आगे संसारिक ज्योतिष तो सवाल होते ही नहीं, उनमें बाई प्रोडक्ट होती है, मैंने बोल दिया आपकी अरेंज मैरिज है, तो बोलेगी दादा लड़की मम्मी की तरफ से पसंद करेंगे या पिता की तरफ से, या मामा की तरफ से या चाचा की तरफ से, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं पसंद करूं या मेरे मम्मी पापा या मेरे फैमिली उनको स्वीकार करें। अगर हमने पॉलिटिक्स में जाने की किसी ने सवाल कर दिया तो हमने बोल दिया कि आपको पॉलिटिक्स में जस नहीं मिलेगा, नॉलेज ही मिलेगी, तो कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊं मगर मैं अपनी सत्ता का या अपने पक्ष का मैं लीडर बन सकता हूं, मैं वार्ड लीडर बन सकता हूं, मैं जोनल लीडर बन सकता हूं, इस ऑल आर माय प्रोडक्ट। मेन तो अंदर से एक ऐसी सुषुप्त वासना है कि मुझे प्रसिद्धि कब मिलेगी और वो प्रसिद्धि के प्लेटफॉर्म पर मैं पैसे कब बनाऊं, ये सब सवालों के लिए ज्योतिष शास्त्र जैसा गहन शास्त्र जिनको विज्ञान कहते हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं बताया था। ये शास्त्र हमने इसीलिए गहराई से सोचना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा
50 साल के बाद मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे ये शास्त्र की गहराई तक जाने का अभी तक मौका नहीं मिला है और मैं शायद कुछ नहीं जानता। मैंने ये शास्त्र पर, ये सिद्धांतों पर, मैंने तंत्र विद्या, तंत्र ज्योतिष, ये सब बातें पर मैंने करीबन 35 से ज्यादा किताबें भी लिखी है, तो वो उनकी सराहना भी करते हैं। मगर मैं खुद के लिए जरूर कहूंगा, अगर आपकी पत्री में कुछ दम है तो वो वक्त आता है, तो वो वक्त में आप जरूर कुछ बोलेंगे, धन संपत्ति भी प्राप्त होगी, इज्जत भी मिलेगी, सौरभ भी मिलेगी, आप सेवा भी करेंगे। मगर आपकी पत्री में आपका भाग्य स्थान, आपका लाभ स्थान, आपका धर्म स्थान, आपका द्वितीय स्थान में कुछ दम होना चाहिए। मगर किसी किसी की पत्री में हम देखते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि शुक्र चंद्र और बुध की युति जब होती है तो लोग करीबन श्रीमंत बनते ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये युति अगर भाग्य में है, कर्मों में, लाभ स्थान में, धन स्थान में कभी देखती है, और साथ में आप जब बहुत एक्टिव हो जिंदगी में, जैसे 25 साल के 50 साल के बीच में किसी की माँ दाता आती है, तो आप 10 किताब पढ़े हुए अनपढ़ हो गवारो, मुझे उनसे कोई संबंध नहीं है। अगले जन्म में किए हुए अच्छे कर्म का ग्रह के माध्यम से हिसाब देना का वक्त आया है, अब श्रीमंत भगवान पक्का बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। मगर साथ साथ अगर आपके भाग्य का मालिक छठे स्थान में गिरा है, आपके घर में गिरा है, जितना हम देख सकते हैं इतना नहीं मिल सकता है। ये ज्योतिष विज्ञान की एक गहराई से सोचने वाली बात है। ज्योति ज्योति बुद्धि से जुड़ी हुई बात है। ज्योतिष ज्ञान है सबको बुझाइए, ज्योति यानी ब्राइटनेस, जो अपनी बुद्धि अपनी सोच को ब्राइटनेस दे, जो ब्राइटनेस देने के लिए जो ग्रहों का विधान ग्रहस्थी में साधना बताइए, कुछ तांत्रिक साधना है, कुछ वैदिक साधना है, कुछ साधना में हम बोलते हैं कि दास संप्रदाय से जुड़ी है, ये सब बातें तो बाद में आती है। आपकी पत्री के ग्रह में कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको धनवान बनाने में हमारी थोड़ी भी सहाय या परामर्श या एडवाइस काम आती है, तो कभी कभी आप हमें जर्स देते हैं, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। जर्स और क्रेडिट आपके ग्रहों की चाल को देना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, अब बात यह है कि ये हमने जाना एस्ट्रोलॉजी, तो गुरुजी ने, दादा ने हमें ये बताया कि पहला स्थान, पांचवा स्थान, नौवां स्थान, ग्यारहवां स्थान वो हमारा, और तीसरा भी स्थान हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए, जिसमें अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह, वीनस, चंद्र और गुरु की युति होनी चाहिए, और प्लस 25 से 50 साल की एज में उसकी महादशा भी आनी चाहिए, तब जाके ये धनवान बनने के योग है। ये हमारी एक शुरुआत है, हम आगे सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें हम योगा के ऊपर ही जाएंगे कि किस तरह से धन योग बनते हैं। जैसे दादा ने बोला कि 44 लाख के ऊपर तो योगाज है, 44 लाख के ऊपर अगर आप ऑकल्ट में जाते हो, गूढ़ विषय की तरफ जाते हो, तो अच्छा ऑकल्ट क्या है ये मैं बता दूं कि ऑकल्ट क्या है, मुझे इन्होंने ही सिखाया है। इन्होंने बोला कि ऑकल्ट मतलब जो चीज आप फील करते हो, जो आप महसूस करते हो पर जिसे समझ नहीं पाते, उसे ऑकल्ट कहते हैं। तो मैं जरा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ऑकल्ट क्या है? अच्छा सवाल है बेटे आपका। ऑकल्ट यानी गूढ़ विद्या, जो विद्या पहले से ही दृश्यमान है, पहले से ही उजागर हुई है, मगर हमारी बुद्धि, हमारी बेगा प्रज्ञा उनको समझने के लिए शायद बहुत कमजोर थी, या वहां तक जाने का संघर्षमय यात्रा करने के लिए तैयार नहीं थी। बुद्ध विद्या यानी क्या है? जो रहस्यमय विद्या है, जो कहते बहुत अर्थ होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं बुद्ध विद्या के प्लेटफॉर्म पर। लोग कहते हैं कि गुरु चंद्र का योग होता है बड़ा अच्छा होता है, गज के योग हम कहते हैं, तो आप गहराई से सोचेंगे तो गज यानी हाथी, केतरी यानी सिंह लायक। आपको ये याद रखना चाहिए कि गज केतरी योग वाले इतने प्रामाणिक चारित्रवान होते हैं, वो कभी गलत काम कर नहीं सकते, क्योंकि वो कभी श्रीमंत नहीं बन सकते, शायद ऐसा भी स्वीकार करना पड़े, क्योंकि हाथी भूखा मर जाएगा तो कभी मांस नहीं खाएगा,
उसे ही भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। ये उनका सिद्धांत है, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक है, वो उनके आइकॉन है, वो पटना लिखी है। हमारे पत्री में ज्योतिष पंडित जी कभी देख आती योग में बहुत गुरु चंद्र का दर्श के थी और आप बहुत धनवान बनेंगे। तो मैं आपको छोटी की बात बताऊँ, जो मेरा व्यवची है, जो मेरे जूते की पॉलिश करता है, उनकी पत्री में भी दर्श के थी, वो धार्मिक है, प्रमाणिक चरित्रवान है, मगर पैसे वाला नहीं है। तो योग कब इम्प्लीमेंट कर सकते, एप्लीकेशन कब होती है, ये समझाने की जो गहरी रहस्यमय विद्या है, इनको हम भूल विद्या के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। और ये विद्या समझने के लिए मैं 50 साल से कोशिश करता हूँ, हजार साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद, अभी मुझे लगता है 75 साल की उम्र में कि शायद मैं उनकी गहराई तक तो नहीं जा पाया, मगर थोड़ा बहुत समझने में शायद काफी। तो ये विद्या समझने के लिए आपको तप करना पड़ता है। तप करना मतलब ये नहीं कि आप पलाशी लगा के परमात्म में गए, तब करना है खोज करना, रिसर्च करना, बींग ए साइंटिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म, बींग ए रिसर्च स्कॉलर इन अकल्ट साइंस, तभी आप ये सोच सकते हैं। अकल्ट कितना टाइम होता नहीं, तो मैं मानता हूँ कि अगर टाइम होगा तो आप जरूर इसमें सोचेंगे, ये मेरी दुआ है, आशीर्वाद। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जब जब सीखना चाहती थी, उन्होंने मुझे ये बोला कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी मत सीखो सोनल, तुम्हें सीखनी है ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी। तो आज जो मैं चीज सीखी हूँ इनसे 20 साल से, और मैंने बहुत कुछ अच्छे से सीखा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी ये सारी चीजें सीखे। तो मैं इस ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी की सीरीज लेके आ रही हूँ, ये अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो आगे से हम एपिसोड वाइज स्टार्ट करेंगे, जो 10-10 या 11-15 मिनट तक का होगा, जो गुरुजी हमें सिखाते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।